तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा थंबनेल और टाइटल देख के, आज मैं आप सभी को बताऊंगा एक प्रो प्लेयर और एक न्यू प्लेयर कैसे पबजी खेलते हैं। तो चलिए हम पहले जो बात है ज़्यादा देर ना करके शुरू करते हैं। तो पहले जो आता है वो है गन के मज़ल को लेकर। मतलब आप प्रो प्लेयर होंगे तो आपको, आप शायद अपने गन के सामने कंपनसेटर लगाते हैं, और आप नूब होंगे तो आप गन के सामने सप्रेसर लगाते होंगे। ऐसा क्या, किस लिए ये बोला गया है? बिकॉज दोस्तों, जो कॉम्पनसेटर है वो अपने गन का रिकॉयल कम कर देता है, और जो सप्रेसर है अपना रिकॉयल नहीं कम करता, तो सिर्फ आपका गन साइलेंट होगा, मतलब सप्रेस हो जाएगा अपना गन का आवाज़। तो और वैसे भी ये पबजी मोबाइल में काम नहीं करता, बिकॉज आपका गन सप्रेस हो या जो भी हो, फिर भी आप स्पॉट हो जाएंगे अपने मैप में देख के। बट ये पबजी पीसी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ पबजी मोबाइल के लिए। तो गाइस, आप देख लेते हैं कितना रिकॉयल कंट्रोल होता है। तो आप देखिए, यहाँ पे मैं कंपनसेटर लगा के फायर किया, देखिए ये गोली था। और अभी मैं सप्रेसर लगा के 3x स्कोप के साथ फायर करूँगा, ये देखिए कितना कितना हिल रहा है, मतलब कितना रिकॉयल दे रहा है। तो इसी बात में आप देख लीजिए कि आप सप्रेसर यूज़ करेंगे या कॉम्पनसेटर यूज़ करेंगे। मैं तो बोलूँगा, मैं अपने गन में कभी कभार सप्रेसर यूज़ कर लेता हूँ और कभी कभार कॉम्पनसेटर यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, आपको रिकॉयल कंट्रोल करना आता है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आपके ऊपर, बट कॉम्पनसेटर से, मतलब कॉम्पनसेटर से आपका रिकॉयल बहुत कम हो जाएगा, तो आप गन आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत सारे कमेंट में देखा ये लिखते हुए कि भाई कैसे रिकॉयल कंट्रोल करूँ, मेरे से रिकॉयल कंट्रोल नहीं होता। तो आप कॉम्पनसेटर यूज़ करिए और फिर देखिए कि कितना काम ये करता है। तो गाइस, अब आते हैं हमारा दूसरे टिप में कि प्रो प्लेयर क्या करते हैं इस टिप में और न्यू प्लेयर क्या करते हैं। तो आप मान लीजिए आप लोग सर्कल में, बहुत छोटे सर्कल में हैं, ओके, तो आपका एनिमी बहुत आसपास हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, इस पेड़ में आप लोग कवर लेते हैं और सोचते हैं सर्कल आने के बाद अपने दूसरे पेड़ में जाएंगे। तो इस तरह से जाने के लिए आपको जो न्यू प्लेयर है वो सिर्फ इस तरह चला जाएगा, मतलब ये क्राउच होके या खड़ा होके जल्दी से चला जाएगा। बट जो प्रो प्लेयर होता है वो इस तरह से नहीं जाएगा। प्रो प्लेयर क्या करता है तो मैं अभी दिखाता हूँ। प्रो प्लेयर क्या करता है, जिस तरह वो लोग जाएंगे उस तरह पहले स्मोक कर देता है, मतलब स्मोक वॉल क्रिएट कर देता है। इससे होता क्या है, आप आसानी से स्पॉट नहीं होंगे और इस तरह से आप सर्कल में भी भाग सकते हो, मतलब खुलने में सर्कल होगा तो आप आसानी से अपनी पोजीशन इस तरह से चेंज कर सकते हो। और इस तरह कुछ लगता है जिसमें आपको स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही मुश्किल। तो प्रो प्लेयर इस तरह से अपना पोजीशन चेंज करता है या सर्कल में जाता है। तो आप यही टेक्निक यूज़ कीजिए और मुझे बोलिए ये टेक्निक कितना अच्छा है या कितना पॉजिटिव है, मतलब कितना काम करता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। तो अभी हम आते हैं हमारा टिप नंबर 3 पे, मतलब प्रो प्लेयर क्या करता है इस टिप में और न्यू प्लेयर क्या करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप किसी भी प्लेयर को, मतलब डुओ खेल रहे हो या स्क्वाड खेल रहे हो, तो आपने एक प्लेयर को मारा है वो सामने पेड़ में, ठीक है, वो इस तरह से आप मारे हो, तो उसका जो बंदे है वो आपको स्मोक देके, मतलब इस तरह स्मोक लेके वो रिवाइव करने जाएगा। तो यहाँ पे न्यू प्लेयर क्या करते हैं, उस धीरे धीरे पुश करते हुए जाके स्मोक में इस तरह से फायर करने लग जाता है। बट ये टेक्निक नहीं है इस पोजीशन में, मतलब इस तरह का सिचुएशन में जो अपने प्रो प्लेयर है वो क्या करते हैं, स्मोक में एक ग्रेनाइट छोड़ देता है, उसके बाद वो पीछे से पुश करेगा, सामने से नहीं पीछे से करेगा। इससे यही होगा कि अपना जो ये है, मतलब जो आप एनिमी है उसको रिवाइव करने जाएगा तो नॉकआउट हो जाएगा, और पीछे रहेगा तो आप आसानी से देख लोगे उस एनिमी को। तो इसी तरह प्रो प्लेयर
इस टीप में इसी तरह काम करेगा और न्यू प्लेयर ये तरह काम करेगा। तो गाइस आप लोग न्यूब है तो इस तरह से खेलिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका प्ले सेशन या जो भी है आप इम्प्रूव हुआ कि नहीं, मतलब ये टिप्स काम करता है कि नहीं आपके लिए। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ यार ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ जो लोग पबजी खेलते हैं, पबजी मोबाइल खेलते हैं, और क्या बताऊँ सब्सक्राइब कीजिए। आप ये चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग आपके सपोर्ट का इंतज़ार में है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा अपना गेमिंग बकचोदी चैनल। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड लव यू ऑल।